गाजियाबाद जिले की मुरादनगर के गांव बसंतपुर सैंथली के छात्र किसान लीलू त्यागी ने 20 साल में एक एक कर पांच परिजनों की जान ले ली। 4 करोड़ की संपत्ति के लिए उसने रिश्तों का खून इतनी सफाई से किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। 3 के खून से उसने अपने हाथ रंगे, जबकि 2 का कत्ल सुपारी देकर कराया। 1.5 माह पहले 8 अगस्त को रिटायर्ड दरोगा सुरेंद्र त्यागी को 4 लाख रुपए देकर कराई 5वीं हत्या के रहस्य से। बृहस्पतिवार को पर्दा उठाने के साथ पुलिस ने 5 वारदात का सिलसिलेवार खुलासा हो जाने का दावा किया है। लीलू, सुरेंद्र और सुपारी किलर राहुल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि आरोपी लीलू ने पहले भाई और फिर भतीजी और भतीजे को मारा। मृतकों में भाई सुधीर, बड़ी भतीजी पारुल, छोटी भतीजी पायल, भतीजा नीशु और रेशु त्यागी शामिल हैं। लीलू, ब्रजेश और सुधीर के नाम 16 बीघा जमीन थी। वह सुधीर और ब्रजेश के हिस्से की लगभग 4 करोड़ कीमत की जमीन हड़पना चाहता था। संपत्ति के लिए लीलू ने ऐसी साजिश रची कि परिजन भी गच्चा खा गए। लीलू एक के बाद एक परिवार के लोगों को मौत के घाट उतारता रहा और ऐसी दलीलें दी कि परिजनों को थाने तक नहीं जाने दिया। लेकिन 5वीं हत्या में की गई थोड़ी सी चूक ने उसकी करतूत उजागर कर दी। भाई, 2 भतीजे और 2 भतीजियों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए 48 वर्षीय लीलू त्यागी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने ये गुनाह अपने इकलौते बेटे की खातिर किया। वो चाहता था कि संपत्ति का बंटवारा न हो और पूरी जमीन उसके बेटे को मिले। कल हमें थाना मुरादनगर पे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें ब्रजेश त्यागी ने अपने पुत्र रेशु की अपहरण और हत्या के संबंध में अपने ही भाई पे आरोप लगाया था। उसके बाद कार्रवाई करते हुए हमने जो अभियुक्त है लीलू त्यागी उसको गिरफ्तार किया है, और उसके साथी सुरेंद्र और उसके नौकर राहुल को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अन्य 2 लोगों का भी नाम सामने आ रहा है। और ये जो पूरा खुलासा हुआ है, इसमें थाना मुरादनगर की टीम और इनके थाना अध्यक्ष श्री सतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके साथ ये भी बात सामने आई है कि जो अभियुक्त है लीलू त्यागी, उसकी ये पहली हत्या नहीं थी, बल्कि संपत्ति के लालच में उसने अपने परिवार के और भी लोगों की हत्या कर रखी है। और इसमें विवेचना जारी है, और जैसे भी आगे कोई सूचना होगी आप बता दीजिए। भाई ब्रजेश के 2 बेटे थे और सुधीर की 2 बेटियां। 4 बच्चों की हत्या कर दी थी। इनसे पहले सुधीर की जान ली, अब ब्रजेश भी निशाने पर था। इसकी साजिश तैयार कर चुका था। अगर इसमें कामयाब हो जाता तो संपत्ति का कोई और हिस्सेदार नहीं बचता। लीलू से पूछताछ के हवाले से पुलिस ने बताया कि लीलू त्यागी वो 2 भाइयों की ज़मीन हड़पना चाहता था। उसने 20 साल पहले पूरी साजिश रची थी। बड़े भाई की हत्या के बाद उसकी पत्नी को अपने साथ रखा भी इसी साजिश का हिस्सा था, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। भाई की पत्नी से जब उसे बेटा पैदा हो गया तो उसने सोच लिया कि इकलौते बेटे को पूरी संपत्ति दिलाएगा। हत्यारे ने शव काली नदी में फेंका। लीलू ने कहानी बना दी कि सुधीर गुस्से में परिवार से नाता तोड़कर चला गया है। लीलू की शादी नहीं हुई थी। सुधीर की पत्नी अनीता और 2 बेटियां पायल व पारुल को उसने अपने साथ रख लिया। 2006 में अनीता के मायके में होने के दौरान बेटी पायल के खाने में जहर देकर उसकी हत्या कर दी और सबसे कह दिया कि उसकी मौत जहरीले कीड़े के काटने से हुई है। जबकि 2009 में पारुल की हत्या कर दी। पहले कहा कि वो जहरीले कीड़े के काटने से मरी है। इसे लोगों ने नहीं माना तो कबूल कर लिया कि हत्या की, लेकिन दलील दी कि उसके कई लड़कों से संबंध थे, इसलिए आन की खातिर जान ले ली। 2013 में भाई ब्रजेश के बेटे नीशु की गला दबाकर हत्या की। शव हिंडन नदी में फेंक दिया। लोगों से कह दिया कि वो नशेड़ी था, चोरी करता था, राज खुला तो कहीं चला गया। 8 अगस्त 2021 को ब्रजेश के बड़े बेटे रेशु की सुपारी देकर कराई हत्या। शव बुलंदशहर में गंग नहर में फेंक गया। लोगों से कह दिया कि वह परेशान चल रहा था, खुद ही कहीं चला गया होगा, आ जाएगा। 15 अगस्त को परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज करा दी। इसी की जांच में ये खुलासा हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।